मंदिर जाने के लिए वो जो ओवरब्रिज देख रहे हैं वो डायरेक्ट मंदिर जाती है, ये वाले रास्ते से भी हम मंदिर जा सकते हैं। तो ये है अजगैवी नाथ मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है। एक्चुअली क्या, जब भी बाढ़ आती है तो ये सारे जगह में पानी भर जाती है और ये मंदिर बिल्कुल पानी के बीच में है। Hey, what's up guys, welcome back my YouTube channel Asu Vlog। तो अभी हम हैं सुल्तानगंज में, एक्चुअली हम लोग घर से सुल्तानगंज जो हमारे आपके सामने गंगा स्नान करने आए हुए थे, हमारे साथ सभी भाई लोग और अंकल आंटी लोग आए थे और इधर भाई लोग। तो अभी संग्रामपुर में है ये, संग्रामपुर का अम्बेडकर चौक, और अभी पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी पेट्रोल लेना था, एक्चुअली हमारा टैंक अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन और जो साथ में भाई लोग जा रहे हैं वो लोग पेट्रोल लेंगे, तो अभी पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं। ये भाई साहब का गाड़ी पलट गया। तो अभी सभी भाई लोग पेट्रोल ले लिए हैं और यहाँ से अब निकलते हैं। और ये मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ बूंद बूंद बारिश हो रहे हैं, आगे पता नहीं ये ज़्यादा होगा या कम होगा, वो कह नहीं सकते हैं। अभी संग्रामपुर से निकल रही है आपका बेलहर, संग्रामपुर रोड है, और अभी से जो सावन में जो देवघर पूजा करने जितने भी गाड़ियां जाती है इसी रोड होके क्रॉस करती है, जो ये सुल्तानगंज से देवघर ये जाती है, और सुल्तानगंज यहाँ से 35 किलोमीटर है। जो सुल्तानगंज के डिस्टेंस की बात करें तो सुल्तानगंज 35 किलोमीटर है यहाँ से। और भाई लोग अभी निकल रहे हैं, कुछ भाई आगे गए हुए हैं बाइक से और कुछ पीछे आ रहे हैं, और जो आंटी लोग हैं वो फोर व्हीलर से आगे गए हुए हैं, वो लोग काफ़ी पहले निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। गर्मी भाई साहब इतनी हो रखी है ना, पूरा शरीर गर्मी से के कारण पसीने से भीग चुका है। तो ये संग्रामपुर थाना आपका, और ये रहा संग्रामपुर। तो सुल्तानगंज आज हम लोग जाने वाले हैं, कि सुल्तानगंज में हम लोग जो गंगा है उसमें हम लोग स्नान करने वाले हैं, तो इसीलिए सभी लोग घर के सारे सदस्य जा रहे हैं। रीज़न था मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, तो उनका सारा जो क्रिया काम होता है वो समाप्त करके हम लोग अब जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो हम सभी घर के सदस्य हैं और भाई लोग हैं, अंकल आंटी लोग हैं, सभी लोग साथ में जा रहे हैं स्नान करने। सब जो गर्मी है ना बोल नहीं सकते हैं, और बाइक पे जो हवा लग रही है ना बिल्कुल सुकून लग रहा है, सुकून का एहसास हो रहा है। पूरा क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग अब तारापुर
विंटर होने वाले हैं एक्चुअली, थकावट के कारण बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है बाइक चलाने का, लेकिन मजबूरी बस जाना पड़ रहा है। नींद आ रही है क्योंकि रात भर सो नहीं पाए ठीक से, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो गई थी इसके कारण सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पूरा बॉडी पेन कर रहा था। अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो नींद आ रही है, लेकिन अगर ऐसा आप अपने साथ होता है नींद लगती है तो बिल्कुल ड्राइव ना करें, रुक लें, रेस्ट कर लें, फेस को ठंडे पानी से धो लें। एक्चुअली जो भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है जिसके कारण हम अभी ड्राइव कर पा रहे हैं, देन अगर न्यू है बिगनर है तो आप ड्राइव ना करें, मेरी सजेशन यही है। और ड्राइव करते समय अपना सेफ्टी का ध्यान रखें, विदाउट हेलमेट ना चलें, आप लोगों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ट्रक वाले भाई साहब तो बिल्कुल जगह ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल अब तारापुर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से अब शुरू हो जाता है तारापुर मार्केट, लेकिन ये छोटा मोटा आस मतलब तारापुर से सटे हुए मार्केट है। मेन जो तारापुर मार्केट है वो एक नदी आती है उसके बाद से शुरू होता है, और वो नदी आ चुकी है यहाँ सुल्तानगंज 19 किलोमीटर है। तो ये पहले के पुल जो थे वो साइड देख रहे हैं, वो नीचे वाली वो पहले पुल हुआ करती थी, और यहाँ से शुरू हो जाता है तारापुर मार्केट। भाई साहब तारापुर मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, ये अच्छा बड़ा मार्केट है, आसपास के लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। और सामने चौक देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड अब जाएंगे तो खड़गपुर चले जाएंगे, खड़गपुर होते हुए गंगा जा सकते हैं, सीधे तो सुल्तानगंज जाएगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये वाला तारापुर चौक है, और इधर आप खड़गपुर घंटा जा सकते हैं, और ये रास्ते आप सुल्तानगंज जा सकते हैं। चौक तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और जो तारापुर का जो टेल्लिया माँ है, माँ दुर्गा की मंदिर है और जो काफ़ी फेमस है, वो आगे से गली जाती है, वो टेल्लिया जाने का रास्ता है आगे से। और भाई साहब मार्केट में जो ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले जब हम संग्रामपुर में रहा करते थे अक्सर तारापुर आया करते थे कुछ ना कुछ काम से, लेकिन अब अगर इधर से कहीं जाना होता है तभी तारापुर क्रॉस करते हैं। काफ़ी पुरानी शॉप दुकानें हैं जिससे हम जाया करते थे, लेकिन अभी पता नहीं वो लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कहना मुश्किल है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं टेल्लिया जाने वाला
रास्ता, क्योंकि काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं तो भूल गए हैं। और यहाँ पे एक और एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है उल्टा महादेव, भगवान शिव की जो है वो मंदिर है। और ये सामने देख रहे हैं, यही उल्टा महादेव मंदिर है। और ये आपका एंट्रेंस, और पीछे बहुत सारी स्पेस है, अंदर में मंदिर है, धर्मशाला है, बहुत सारा स्पेस है। लोग यहाँ पे आके जो मंदिर से शादियाँ करते हैं, यहाँ आके जो लोग घर से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो मंदिर में आके। तो हम भी कई बार यहाँ पे शादी में आ चुके हैं ये मंदिर। हम लोग टेल्डिया वाला जो रास्ता था वो हम लोग आगे क्रॉस करके निकल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं तो भूल चुके थे रास्ता कौन सा है, कहाँ से जाना है। तो हम लोग आगे निकल चुके हैं, मार्केट हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, रीजन एक्चुअली रीज़न तो आप लोग को पता ही है कि जो हमारे दादाजी हैं उनका देहांत हो चुका था, तो घर में सारे मेहमान लोग आए हुए थे और सारा काम था, तो उसके कारण काफ़ी बिजी रहा करते थे, इसी कारण से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग सुल्तानगंज जा रहे थे, सोचे क्यों ना आप लोग को दिखाया जाए जो प्रसिद्ध जगह है सुल्तानगंज। सावन की बात करें तो ये सब में चलने के लिए सोचना पड़ता है, इतनी सारी भीड़ रहती है बोलबम का। इस बार तो बंद था, लेकिन इस बार शायद हो सकता है चालू हो। जितनी भी गाड़ियां जब फोर व्हीलर या बस से जो जाती है सुल्तानगंज से देवघर, वो सारे इसी रूट होके जाते हैं। और हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो पैदल जो कंवरिया लेके जो बोलबम जाते हैं, जो कंवरिया लोग होते हैं वो लोग कैसे जाते हैं, उन लोगों का किस तरह का रास्ता होता है, क्योंकि वो शॉर्ट में जाते हैं, उसका भी हम दिखाएंगे आगे। ब्लॉग पे बने रहिए हमारे साथ। और हमारा इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक आ रहा होगा, हमारा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि न्यू अपडेट मैं हमेशा पहले इंस्टाग्राम पे देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के लिए कुछ भी अपडेट देना होता है तो हम इंस्टाग्राम पे ही देते हैं। और हमारे इस ब्लॉग पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। सेटर घाने बेलारी, ये जो है ना, ये आपका जैसे बताए बोलबम का रास्ता वाला जो जगह है वो 500 मीटर है। इस रोड से आगे रोड जाती है, तो उसी रोड में 500 मीटर पे वो रैन सेटर है, ये इस वाले रोड में। अब वो वाला आपकी कच्ची रास्ता है, क्योंकि जो भी जितने भी बोलबम जाते हैं वो पैदल ही चलते हैं, तो उसके लिए फिर ये वाले रास्ता और वो जो मिट्टी वाला रास्ता वो हमेशा भींगा हुआ रहता है, मतलब उसको उसमें जो है बहुत सारे लोग मदद करते हैं, बहुत सारे सुल्तान
तो यहाँ से सुल्तानगंज अभी 14 किलोमीटर बचे हुए हैं। आपका असरगंज मार्केट है, तारापुर से छोटा मार्केट है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि इधर बहुत कम आना जाना होता है। कभी कभी आते हैं तो बाय ट्रेन आते हैं। ऑलमोस्ट असरगंज मार्केट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। एक भाई ये हैं और पीछे अंकल बैठे हुए हैं। किसी को बोला गया पान लेने, बोले नहीं हम ऐसे ही जाएंगे। चलो भाई ठीक है, जो जैसे जाना है सब ठीक है। तो हम लोग असरगंज मार्केट जो क्रॉस कर चुके हैं, अब आपको मिलते हैं सीधे सुल्तानगंज में। पैदल जो रास्ते की बात हम कर रहे थे वो पैदल रास्ता ये है। अभी इसका बुरा हाल हो चुका है, तो जब भी सावन आने से पहले इस जो कच्ची रास्ता है इसे फिर से अच्छी तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल प्लेन, और जितने भी कचरा बिल्कुल साफ कर दिया जाता है ताकि जितने भी कांवरिया लोग हैं उसको कठिनाई ना हो। और ये जो इधर देख रहे हैं आप, ये लोहे वाला जो ब्रिज देख रहे हैं आप, पहले यही पुल हुआ करता था लेकिन ये न्यू पुल बन चुका है। और जो पैदल कांवरिया लोग का जो रास्ता है उसी पुल होकर क्रॉस करती है। और ये जो साइड साइड आप देख रहे हैं, ये साइड साइड जितने भी सुल्तानगंज तक, और ये साइड इस साइड है, और इतने दूर से जो वो है वो उस साइड है। तो इधर उधर वो बैरी करते रहता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, जिधर जिधर रास्ता बनाया गया वैसे वैसे लोग जाते हैं। तो यही रास्ता है और देख सकते हैं ये कच्ची रास्ता भी बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। ये बैठने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है। वैसा बिहार जो है ना बहुत सारा चेंज हो चुका है, और सभी जगह अच्छी सड़कें हैं। यातायात मतलब अगर कठिनाई नहीं होती है, शायद ही कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होती है। ये देख सकते हैं पैदल वाले रास्ते जो हैं बिल्कुल बुरी तरह से अभी बर्बाद हो चुके हैं। देखिए बस इस कारण क्या हुआ था ना, इस साल जो बोल वहाँ पे जो मंदिर है वो खोला नहीं गया था, बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना की वजह से, COVID-19 की वजह से। और लेकिन इस बार हो सकता है शायद खोले। देखिए ये सब भाई सब क्या, इन लोगों ने ना कब्जा जमा रखा है। बगल वाली जो पुल है पहले वही पुल हुआ करती थी, लेकिन अभी कांवरिया के लिए स्पेशल वो रास्ता बना ही दिया गया ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए रास्ता क्या हाल हो चुका है भाई साहब। इन लोगों ने अब बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रख लिया है, तो जब भी सावन आता है तो उसे हटा दिया जाता है। ये जो रास्ता है बिल्कुल अब सुल्तानगंज तक ऐसे ही रास्ता आपको मिलेगा पैदल। और हम लोग सुल्तानगंज के बिल्कुल
नज़दीक, और बाबा अजगैबीनाथ मंदिर जो है वो 3 किलोमीटर है। देखिए बोलबम वाले अभी भी वो ख़राब सड़कें पे अभी जा रहे हैं पैदल दंडवत देते हुए। और इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों ने बिल्कुल कब्जा जमा रखा है, ऐसे लग रहा है पर्सनल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए खूटे बैल भैंस बांधते हैं यहाँ पे, और ऊपर और हम सुल्तानगंज बिल्कुल पहुँच चुके हैं। ये सुल्तानगंज ओवरब्रिज नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस किया जो सुल्तानगंज को भागलपुर से होते हुए उधर कोलकाता आगे तक जोड़ती है, और इस साइड चले जाएंगे जमालपुर की ओर पटना जा सकते हैं। देख यहाँ भी आप देख सकते हैं अजगैबी बाबा अजगैबीनाथ मंदिर 3 किलोमीटर है, और हम लोग वहीं पे आज जाने वाले हैं। और ये हम लोग ओवर ब्रिज पे चढ़ चुके हैं। ओवरब्रिज से ही आपको सुल्तानगंज स्टेशन दिख जाएगा। अगर आप इधर आते हैं तो पूरब साइड अगर देखेंगे तो सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। भाई साहब ये भी पुल की जो स्थिति है ना वो भी ख़राब होती जा रही है। और ये सामने उधर देख सकते हैं ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन इधर जब भी क्रॉस करेंगे तब तो देखने को मिल जाएगा। और ओवर ब्रिज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और भाई लोग पीछे हैं, उन लोगों तक आने तक वेट करते हैं ताकि उन लोगों को शायद कर नहीं सकते, हो सकता हूँ लोगों को रास्ता पता हो, मैं भी नहीं पता हो, इसीलिए रुकना ज़रूरी है। भाई लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। ये हम लोग सुधा गंगा घाट जो है वो 2 किलोमीटर है, और अजगैबीनाथ 2.1 किलोमीटर। तो हम लोग गंगा घाट ही जाएंगे, वहीं पर स्नान करेंगे। सारे जो आंटी लोग हैं वो लोग जा चुके हैं, तो पीछे पीछे से जा रहे थे बाइक से, वो लोग 4 व्हीलर से जा चुके हैं। और हम लोग अभी सुल्तानगंज काफ़ी फेमस जगह है, लेकिन अभी बोलबम के कुछ लोग भी वहाँ भी अभी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे स्नान करने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। सुल्तानगंज के जो सड़कें हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है। सुल्तानगंज जो स्टेशन दिखाए रेलवे स्टेशन वो आप आगे अब इधर से जो स्टेशन जाने का जो रास्ता है वो आपको दिखाएंगे। सुल्तानगंज हम जब काफ़ी आया करते थे जब संग्रामपुर में रहते थे हम लोग, बीच बीच में बहुत सारे फ्रेंड लोग रहते थे सुल्तानगंज में कुछ ना कुछ काम से, तो हम लोग का आना जाना लगा रहता था। भाई साहब लो देख लग गई जाम, अभी ये स्थिति है। अगर सावन में अगर आते हैं ना तो निकलने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, इतनी सारी भीड़ रहती है।
भाई लोग पीछे हैं, शायद वो हम आगे आगे चल रहे हैं ताकि उन लोगों को रास्ता मालूम है कि नहीं पता नहीं, तो हम आगे आगे लेके चल रहे हैं। और हम लोग के साइड कुछ भी होता है तो जब भी अजलान करना हो तो हम लोग सुल्तानगंज ही आते हैं। एक भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन और दो भाई ही जो बाइक से है, पता नहीं इस रास्ते आ रहे हैं किस रास्ते आ रहे हैं, कंफर्म नहीं है। ये सारे जो भी इतनी खाली खाली दिख रही है, ये सारे बिल्डिंग इधर कांवरिया का जो भीड़ होता है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है इधर। तो ऐसा जगह है ना, आपको इधर से उधर रोड क्रॉस करने के लिए सोचना पड़ेगा, इतने ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। कौन से घाट पे खाना मुश्किल है, तो अभी चल के हम देख लेते हैं कौन से घाट पे वो लोग गए हुए हैं। तो उधर भी एक घाट है, इधर भी घाट है, इसे सीढ़ी घाट बोलते हैं। और आपके सामने है गंगा मैया, ये आप देख सकते हैं सामने गंगा मैया। पता नहीं कहाँ पे वो लोग आए हुए हैं, कहाँ गाड़ी लगाए हुए हैं, आगे चल के देखते हैं। ये सारे लोग गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं। ओ भाई साहब, ये लोग मिल गए यहीं पे। ये लोग सभी लोग आए हुए हैं, आंटी लोग हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, इधर गंगा जी है और इधर सारे लोग स्नान कर रहे हैं। वो जो है ओवरब्रिज बन रहा है सामने, जो आप देख रहे हैं वो सारे जो ओवरब्रिज बन रहा है, रास्ता बन रहा है, मतलब ओवरब्रिज बन रहा है, लोग मतलब इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं। और ये जो रास्ता है यहीं तक समाप्त होता है, आगे हम टूर करवाते हैं। आगे जो अजगैबीनाथ मंदिर की जो बात किए हम, वो सामने जो देख रहे हैं वही मंदिर है अजगैबीनाथ।